नमस्कार दोस्तों, जिस शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम है विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड। ये एक पैनी शेयर है जी, 1 रुपये से नीचे है। अभी मार्केट कैप है इसका 321 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 है। तो अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो 85 पैसा पे ट्रेड कर रहा है और इसने 6% का, 6% का, 6.25% का मूव दिया है एंड काफी दिन से ये अपर सर्किट में लॉक हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली बनी थी 1989 में एमपीएस इंफोटेक्निक्स के नाम से। एंड ये बेसिकली क्या करते हैं, ये है आईटी में, आईटी एंड टेलीकॉम्युनिकेशन में है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल में काम करते हैं, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होते हैं, इनके VAS एंड बिल पेमेंट्स एंड ट्रेडिंग एयर टाइम एंड मोबाइल एप्लीकेशन, प्रीपेड मोबाइल टॉप अप्स एंड सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों में काम करती थी। कंपनी काफी टाइम से ना लॉस बुक करे जा रही थी, लॉस में जा रही थी। एंड क्योंकि इसकी ये भी है कि आप ये देख सकते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें ऑपरेशंस कुछ इतना ज्यादा ऑपरेशन सेक्टर, द मेन रीजन फॉर नो ऑपरेशंस इन अदर सेक्टर, बेसिकली इन्हीं सब में काम कर रही थी, आईटी में ही बेसिकली, तो किसी और में नहीं हो रहा था, तो इनका कुछ आ भी नहीं रहा था फंड। बट अभी दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज एंड ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला is exploring new possibilities for providing consultancy in solar energy. तो एंड आपको पता है सोलर एनर्जी का तो जमाना आने ही वाला है, आ ही गया इनफैक्ट। तो आई थिंक कि अभी तो काफी कम प्राइस पे ट्रेड करा है, पर मुझे लगता है काफी अच्छा टर्न अराउंड दे सकता है ये। बेसिकली अभी बात करते हैं हम थोड़े से इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो चार्ट का देखें तो चार्ट अभी जो है इसने अभी अभी गोल्डन क्रॉस किया है 60 पैसा पे, 5 जनवरी को इसने गोल्डन क्रॉस किया है एंड अभी ये 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ये 200 डीएमए से ऑफकोर्स ऊपर ही है। अभी ये 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 50 डीएमए ने 200 डीएमए को क्रॉस किया है। थोड़ा सा जूम हो जाएगा इससे, ये देखिए तो 50 डीएमए को यहाँ पे 200 डीएमए को जो ग्रे लाइन है 200 डीएमए की है, येल्लो 50 डीएमए की है। तो 50 डीएमए ने 200 डीएमए को काटा, इसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी पोजीशन में अभी गोल्डन क्रॉस एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो अभी ये काफी अच्छे 50 डीएमए के ऊपर है, काफी अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का कुछ इतना खासा वो आया नहीं है। अभी लास्ट की सेल्स की भी बात करें, सेल्स थोड़ी सी क्वार्टर में बड़ी थी, साथ के साथ इनका एक्सपेंस भी बड़ा था। ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो माइनस में ही है अभी। तो ये देख सकते हैं कि माइनस में रह के ये थोड़ा थोड़ा कम करे जा रहे हैं। पहले माइनस देखिए, मार्च में इसका 1.36 था माइनस में, जून में इसका 0.34 हुआ माइनस में, अभी माइनस में 0.30 है। तो छोटे छोटे ये कम करे जा रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ये देखिए पिछले क्वार्टर्स में इसने कितने अच्छे तरीके से कम किया है। तो थोड़ा थोड़ा ही है बट दिस कंपनी इज ट्राइंग टू रिकवर। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास काफी ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है एंड नॉर्मल हम पब्लिक के पास ही ज्यादा है। तो अभी इसके चार्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2022 मई से ही कंसोलिडेट कर रहा है, 2022 मई से ही ये कंसोलिडेट करे जा रहा है। एक मैं आपको चार्ट लगा के दिखाती हूँ, आप भी ये चार्ट लगा के देख सकते हैं चीजों को। तो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दो तीन चीजें जो मैंने मेरी पर्सनली से जो मैंने एनालाइज करी है। पहली बात तो इसने यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया है, वॉलिंजर बैंड से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक हो रहा है। तो इसमें एक चीज बताती हूँ आपको कि अभी ये ट्रेड जो कर रहा है वो कर रहा है 0.85 पैसा पे एंड जो ऑपरेटर है उन्होंने लेके रखा हुआ है 0.92 पैसा पे। तो तब तक तो ये भागेगा ही भागेगा, That is for sure, right? And मुझे लगता है कि ये अच्छे खासे मूव दे सकता है, जो कि मूव हो सकते हैं 1.5 रुपया मैं इसका एक्सपेक्ट कर रही हूं कि तब तक ये सर्किट में रहेगा 1.50 रुपीज, राइट। तो
अभी देखते हैं काफी अच्छी वॉल्यूम से ये ऊपर जा रहा है, 92-1 रुपए तक तो बड़े आराम से किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे ऑपरेटर पहले ही लेके बैठे हुए हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने भी प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे लगता है ये 1.5 रुपए तक के काफी अच्छे मूव दिखा सकता है। बाकी इसकी बात कर लें कि कोई न्यूज आई हो इसके बारे में, तो देखा था मैंने थोड़ा सा, तो इनकी न्यूज को बोर्ड मीटिंग हुई है 12th को, इनकी न्यूज आई है, और न्यूज में इन्होंने फिर से अपॉइंट किया है किसी को जिनका नाम है मिस्टर पीयूष कुमार अग्रवाल। अब इनके बारे में देखते हैं कि क्यों इनको रीअपॉइंट, फिर से इन्हीं को ही क्यों रखा गया है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि एज उनकी 60 ईयर्स के आसपास की है, एंड इज ए फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, राइट। चार्टर्ड जो अकाउंट सीए का जो वो होते हैं उनके मेंबर हैं ये, एंड ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 34 ईयर्स इन दिस फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो 34 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फाइनेंस एंड टैक्सेशन की फील्ड में, एंड कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में भी इनको सारी चीजें पता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इनको पता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग का इनको पता है। सो बेसिकली इनको काफी सारी चीजें पता है जो उनके जो अभी ये काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे थे, इनको काफी सारी चीजें पता है जिनको, इनको एक्सपीरियंस है सारी चीजों का। तो आई थिंक ये काफी अच्छी चीज है कि इनको अपॉइंट किया गया है, एंड रिलेशनशिप इनको डिस्क्लोज किया गया है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये रही न्यूज, एंड आई थिंक इस टॉप में बने रहना चाहिए आपको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 1 रुपए तो जाएगा ही जाएगा, एंड उसके बाद ये 1.5 रुपए तक के मूव दिखा सकता है। हो सकता है बीच में थोड़ा सा रुके, कंसोलिडेट करे, तो उसकी इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो चलो करते ही करते हैं, सारे स्टॉक करते हैं, भागते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं। थोड़ी सी इसकी आरएसआई के बारे में देख लेते हैं कि आरएसआई क्या है। आरएसआई अभी 85 के ऊपर है, जहां पे आरएसआई ऐसी जगह पे है जहां पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 85 पैसा पे स्टॉक है, 85 पे आरएसआई है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे भी जब ये भागा था, जब ये पहले भागा था, तो इसमें ये भागा था 20 दिसंबर को भागा था, और ये भागता रहा था 1 फरवरी तक, मतलब 1.5 महीना ये बड़े आराम से भाग सकता है। तो अभी इसको भागते हुए 7 दिन हुए, एंड ये 85 लास्ट टाइम, देखो यहाँ पे 85 है, और ये 1 हफ्ते के बाद ही इसने 85 आरएसआई दे दी थी लास्ट टाइम भी, और इसने जो आरएसआई हाईएस्ट यहाँ पे टच करी है वो 97 है। तो अगर पिछली बार को थोड़ा सा एनालाइज करके चलें, तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि यहां से यहां इसने कितना परसेंट का मूव दिया है। ओ माय तो यहां से यहां का इसने दिया है मूव 800, 850% का इसने मूव दिया है 1.5 रुपए का। तो यहां पे देख लेते हैं हम प्राइस कितना था। यहां पे प्राइस था 20 पैसा, और यहां पे इसने जो स्टॉप लगाया था वो था 1 रुपया 75 पैसा। तो अगर सेम 800 का ही मूव लेके चले, मैं 800 का मूव नहीं लेके चल रही, दिस इज अ बिट टू मच टू यू नो डाइजेस्ट, बट मैं यहाँ पे 250 का ही मूव लेके चल, मैं यहाँ पे चलो एक हम 2 रुपए तक का मूव लेके चलते हैं और देखते हैं कितना परसेंट होता है। तो ये 260% होता है, 250% होता है। तो आप खुद देख लीजिए, अगर पुराने मूव के तरीके से चले जो इसने पहले दिया था, तो मैं अभी भी बोल रही हूं कि मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए की बात कर रही हूं। तो 1.5 रुपया हमारा होता है 150%। तो मैं सिर्फ 150% की उम्मीद कर रही हूँ, कहाँ ये 850% भागता है, मैं सिर्फ 150% की उम्मीद कर रही हूँ। एंड इनफैक्ट यहां से भी नहीं भागना है, इसमें भागना है यहां से, तो मैं यहां से उम्मीद कर रही हूँ कि ये हमें दे जाए 1.5 रुपया। तो बस मैं बोल रही हूँ कि इसको 80% और भाग जाए। सो एनी वे, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आपको अगर डिसीजन लेना है इन्वेस्ट और यू नो, वो कोई सलाह नहीं है बेचने की या खरीदने की, आप अपनी एनालिसिस कीजिए अपने।